जरा सी गफलत ने सिक्योरिटी गार्ड की जान ले ली। गुजरात साईं राजा फाटक पर ट्रेन हादसा। बंद फाटक के खुलने का इंतज़ार ना करने वाले सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेन तले आकर हलाकत का वाकया पेश आया है। इस वक्त मौका पर मौजूद हैं वॉइस ऑफ गुजरात के चीफ एग्जीक्यूटिव मिर्ज़ा खुर्रम हसनैन, उनसे जानते हैं इस खूनी हादसा की अलमनाक दास्तान। जी खुर्रम जी आकाश, इस वक्त साईं राजा फाटक जाए वकुआ पर पहुंचा हूं, जहां ट्रेन की जद में आकर 70 साल रजवान वल्द पोले हाँ सकना गोंदलपुरा का रिहायशी जहाँ बाक हो गया। बताता चलूं कि रमज़ान सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था, ये घर से ड्यूटी के लिए निकला। जब फाटक के करीब पहुंचा फाटक बंद था, जल्दी की वजह से साइकिल उठाकर फाटक क्रॉस करने लगा कि तेज़ रफ्तार ट्रेन ने कुचल दिया। इस मौका पर थाना रमानिया की पुलिस भी पहुँच गई। एएसआई फयाज भट्टी ने कानूनी कार्रवाई करके लाश वर्षा के वाले कर दी। सिक्योरिटी गार्ड रमजान के बेटे अतीक रहमान ने हमें बताया कि मेरे वालिद गुजरात तरपाल हाउस बतौर सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करते थे। वो अपने काम पर जा रहे थे कि हादसे में जाँ बाक हो गए।